Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel Cook with Aisha Ijaz. जी जनाब, आज हम बना रहे हैं कोकोनट हलवा। कोकोनट हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी 1 कप और क्रश्ड कोकोनट, इसको हम उर्दू में खोपरा कहते हैं, खोपरा लेंगे हम 1 कप। एलमंड्स लेंगे हम, एलमंड्स को क्रश कर लेंगे लंबा लंबा इस तरह से खूबसूरती से काट लेंगे। और ये ड्राइड कोकोनट है। कार्डमम्स लेंगे इलायची 4 to 5 और पिस्ताचू को भी क्रश कर लेंगे। पिस्ता जो हैं हलवा बनाने के लिए हम शुगर भी 1 कप इस्तेमाल करेंगे और कुकिंग ऑयल 1/2 कप यूज़ करेंगे। जी तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल पैन में मैंने गरम किया और उसमें इलायची डाली, आप देख सकते हैं। जी तो इलायची अच्छी तरह से पक चुकी है ऑयल में, अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी को हमने उस वक्त तक ऑयल में फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि इसका कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये वाइट से ऑफ वाइट हो चुका है और गोल्डन ब्राउन हो रहा है। इसको थोड़ा सा और हम कलर को चेंज करेंगे, थोड़ा सा और पकाएंगे और इसमें शुगर को ऐड कर देंगे। जी तो नाज़रीन, इसका कलर गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये बहुत प्यारा सा कलर निकल आया सूजी का, आप देख सकते हैं डिफरेंस, वाइट कलर शुगर का है और गोल्डन ब्राउन कलर सूजी का है। अब हमने शुगर को सूजी में अच्छी तरह से मिक्स करना है और तब तक इसको भूनना है, फ्राई करना है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। जी व्यूअर्स, अब शुगर मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी हमने सूजी के 1 कप को देखते हुए इसमें 2.5 कप ऐड करेंगे। पानी हमने ऐड कर दिया है, अब पानी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है क्योंकि शुगर जो है वो कहीं सख्त ना हो जाए और उसकी गुठलियाँ ना बन जाए। और जब हम पानी ऐड करेंगे तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साथ साथ हिलाते जाएंगे स्पून को। मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया है थोड़ा नाइस लुक देने के लिए, ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें। और अब हम ड्राइड कोकोनट्स भी ऐड कर देंगे इस टाइम। जी तो ये देख सकते हैं आप, बबल्स बनने लग गए हैं और बबल्स जो हैं वो उड़ उड़ के बाहर ना आए इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। और अब इसको तब तक पकने देना है जब तक इसका ऑयल बाहर ना आ जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 10 टू 15 मिनट्स तक पकाया और इसका सारा पानी फिनिश हो गया है और ऑयल जो है वो बाहर आ रहा है। अब हम इस टाइम इसमें कोकोनट ऐड कर देंगे, खोपरा को ऐड कर देंगे, जो कोकोनट पाउडर है, क्रश्ड कोकोनट है, इसको हमने ऐड किया। जितनी सूजी लेंगे सेम उसी अमाउंट में कोकोनट हमने इसमें ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से हिलाना है और कवर करके 5 मिनट्स के लिए इसको दम पे रख देना है। जी हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, इट इज़ रेडी टू सर्व। हम इसको अपने ड्राई फ्रूट के साथ सर्व करेंगे, एलमंड्स एंड पिस्ताचू, उनको नीटली क्रश किया है और इसको हम इस पर डाल देंगे और गरम गरम हलवा अपने मेहमानों को सर्व करेंगे।
तो आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद आयशा एजाज। अल्लाह हाफिज़।